और रही बात किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना, हमारा ये सब नहीं है, ना ही किसी की हम बुराई करना चाह रहे हैं। बस ये है कि थंबनेल में ऐसा लिखना पड़ता है ताकि लोग देखें और ये थोड़ा थोड़ा हटके लगे, थोड़ा इस चीज़। हम क्यों मतलब शिवानी के बारे में बुराई करेंगे? हमारा कोई व्यक्तिगत कोई बुराई या फिर कोई व्यक्तिगत तो लड़ाई है नहीं उनसे, ना ही हमें कोई परेशानी है उनसे। और जो हमने बेरोजगार रसगुल्ला भैया, हम आपको ये बोलना चाह रहे हैं कि उसमें हमारी क्या प्रॉब्लम है, ये आप बताइए। आप बोल रहे हैं कि व्यूज के चक्कर में आपने कुछ भी कर दिया, एक यूट्यूबर भैया आए। सभी को नमस्कार, मेरा नाम है मनु झा और आप देख रहे हैं मनु के ब्लॉग्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो हम आप सभी लोगों से यही कहना चाहते हैं कि अगर आप ये थंबनेल देख के आए हो या फिर आप नए व्यूअर हो, तो हम आपसे ये कहना चाहते हैं, ये हम वीडियो बना रहे हैं, मतलब ये वीडियो आप देख रहे हैं, इससे पहले एक हमने वीडियो अपलोड किया था, आप पहले जाके उसको देख लीजिए, तब ये वीडियो आपके समझ में आएगा। या फिर आप पहले से ही देख रहे हो तो आपको ये वीडियो समझ में आ जाएगा। तो इस वीडियो का जो थंबनेल लगाने का भी जो मतलब है, ये भी हमारी एक मजबूरी है। ये थंबनेल हमने क्यों लगाया है ये वीडियो में हम आपको बताएंगे, क्योंकि इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था, उस पर हमने एक अंकल जी हैं शिवानी के गांव के बगल में ही एक गांव है, एक आध दो किलोमीटर का अंतर है, तो उनके यहाँ पे एक अंकल जी मिले थे। तो वो बोल रहे थे कि हम बताएंगे शिवानी के बारे में पूरी बात, कैसे क्या है, हमारी भी वीडियो बनाइए और हम भी आपको पूरी जानकारी देंगे। तो हमने कहा चलिए ठीक है, अच्छी बात है, चलिए हम आपका भी सुन लेते हैं, बात कर लेते हैं। तो हम उनके यहाँ पर गए तो हमको वो ले गए एक मंदिर में, बता रहे थे वो मंदिर के मतलब करता धरता, मतलब वो देख रेख करते हैं, ठीक है। वहाँ पे गए, हमने वो वीडियो बनाया और वीडियो बना के जो भी उनने बातें बताई हैं और जो बताई हैं वो तो आप पिछले वीडियो में देख ही लोगे, ठीक है। उन्होंने क्या बताया, वो ऐसा तो है नहीं कि वो कोई छोटे बच्चा हो तो उस हिसाब से वो जो हम बोल रहे हैं वही वो कह दें, है कि नहीं। वो एक जिम्मेदार व्यक्ति है, वो काफ़ी एजड है। तो उन्होंने शिवानी के बारे में बुराई की और उस वीडियो में बुराई की, क्योंकि हम क्यों मतलब शिवानी के बारे में बुराई करेंगे, हमारा कोई व्यक्तिगत कोई बुराई या फिर कोई व्यक्तिगत तो लड़ाई है नहीं उनसे, ना ही हमें कोई परेशानी है उनसे। और जो हमने वीडियो डाला था उसके जो कमेंट्स वगैरह पढ़े थे हमने, तकरीबन बहुत सारे कमेंट आए थे, कुछ कमेंट तो हमने डिलीट भी कर दिए थे, क्योंकि उस कमेंट में वो अंकल जी को बहुत बुरी तरीके से बातें करी थी, इस वजह से हमने डिलीट कर दिए थे। लेकिन जितने भी कमेंट आए थे वो हमारे प्रति एक भी नहीं थे, वो सब अंकल जी के ही प्रति थे, क्योंकि उन्होंने जैसा बताया है उसी हिसाब से उन लोगों ने कमेंट किए। बहुत सारे कमेंट थे तो हमने वो पढ़े, तो हमने पढ़ते हुए वो सोचा उसमें हमने कि जैसा इन्होंने बोला उसी हिसाब से कमेंट आए। फिर उसके बाद क्या हुआ कि एक उन्हीं के शिवानी के गाँव के एक लड़का है, मतलब बड़े यूट्यूबर हैं वो, 11,000 करके कुछ सब्सक्राइबर हैं उनके। तो उन्होंने वीडियो बनाया अगले दिन, कल सुबह एक वीडियो बनाया और वो उनके घर गए, अंकल जी के घर गए। और घर जाने के बाद उन्होंने बात करी वो अंकल जी से कि क्या बात है, आपने वीडियो में इस तरीके से बात क्यों की। तो उन्होंने अंकल जी हल अपनी बात से मुकर गए या पलट गए, वो जो भी है आप उनका वीडियो देख लीजिए, उनके चैनल का नाम है बेरोजगार रसगुल्ला करके उनका एक चैनल है, उस पर वीडियो पढ़िए, आप जाकर वो देख लीजिए। तो वो भैया बोल रहे हैं हमारे बारे में कि उनने ही बुलवा दिया होगा, या फिर कहने का मतलब वो ये बोल रहा है कि व्यूज़ के चक्कर में आप कुछ भी कर सकते हो या कुछ भी बोल सकते हो, या उस तरीके से बोल रहा है। और जो अंकल जी थे उनके वीडियो में कुछ और बोल रहे हैं, हमारे वीडियो में कुछ और बोल रहे हैं, ठीक है। देखिए हमारा वीडियो जो है वो आप देख सकते हो, और इनका वीडियो क्या है वो हम आपको अभी दिखाते हैं। और ये तो हमने जो वीडियो डाला था लगभग 7 मिनट का था, इन्होंने इतनी जानकारी दी। उसके बाद जो और भी उनका मतलब इंटरव्यू हो, काफ़ी बड़ा इंटरव्यू है, लगभग 15 मिनट का हमने शूट किया था। तो अभी तो उन्होंने कुछ नहीं बोला उसमें, कुछ ज़्यादा भी नहीं बोला। अभी जो हम अगला वीडियो उनको डालेंगे उसमें आप देखना कि क्या क्या है, बहुत सारी उनकी वो मतलब बुराई की है और बहुत ही सारी बातें हैं, ऐसा नहीं है उन्होंने तो सिर्फ शॉर्ट डाला। हमने तो अभी छोटा सा वीडियो डाला है उनके बारे में, अभी हमारे पास एक भी वीडियो एक और पड़ा है, उसको भी क्लिप डालेंगे। हम सोच रहे थे बड़ा वीडियो होगा, इस वजह से हमने नहीं डाला, आधा डाल दिया। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो हम वो वीडियो भी डालेंगे, और उस वीडियो में आप देखना भाई वो इतने एजेड हैं, हम थोड़ी ना उनको बोल रहे हैं कि भाई आप ऐसा ऐसा बोल दो, या फिर हम तो किसी को जानते नहीं, हमें क्या मतलब है राधा कौन है शिवानी कौन है, वैसे जानते हैं, लेकिन हमें उससे कोई व्यक्तिगत लड़ाई थोड़ी ना, ना ही हम उनको कोई परेशानी है, ना हमें से कोई दिक्कत है। हाँ रही बात थंबनेल की, तो थंबनेल में क्या है, ये जो शिवानी है उनका कोई एक सैड सीन था, तो उसकी हमने एक फ़ोटो निकाली और उस पर लिख दिया कि उनके ही गाँव के कर रहे बेइज्जती। तो सिंपल है, उनके बारे में उन्होंने बुराई करी, उस वजह से हमने थंबनेल लगाया। जैसे कि हर कोई वीडियो में
जो मेन सीन होता है, जो बताने लायक होता है, उस वीडियो के हिसाब से वो थंबनेल लिख देते हैं। तो वही हमने किया, हमने उनके बारे में कोई बुरा थोड़ी ना बोला है, ना ही हमने उनके बारे में कोई बुराई की। हमने तो उससे क्वेश्चन की और उन्होंने उस चीज़ का आंसर दिया है, तो आंसर उन्हीं ने अपने हिसाब से दिया है, उसमें हम क्या कर सकते हैं। तो हमने किस हिसाब से बुराई की, और हमने बीच के चक्कर में क्या बुलवा दिया है। तो बेरोजगार रसगुल्ला भैया, हम आपको ये बोलना चाह रहे हैं कि उसमें हमारी क्या प्रॉब्लम है, ये आप बताइए। आप बोल रहे हैं कि बीच के चक्कर में आपने कुछ भी कर दिया। एक यूट्यूबर भैया आए थे, चलिए हम उनका भी वीडियो आपको थोड़ा सा दिखाते हैं, आप समझ जाओगे, फिर हम आगे भी बात बताएंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। क्या करिए, एक छोटे छोटे भैया यूट्यूबर आए, उनने जो है का नाम शिवानी की, शिवानी के गांव के लोग ही शिवानी की बेइज्जती कर रहे, ऐसा बिल्कुल नहीं। खुद ये देखो, झूठ कह रहे हैं ना अपने आप में, वो का नाम जो है फेमस होने के बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं, जो सब गलत है यार, ऐसी कोई बात ही नहीं है। बुराई क्यों करेंगे, हमारे घर की बात हम बुराई करेंगे यार, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। गलत गलत उसमें जो है कमेंट कर रहे हैं। और जो रही बात का नाम जो कह रहे हैं राधा की, अब आपने देखा इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला है कि वो अपने व्यूज के चक्कर में कुछ भी गलत बोल रहे हैं, कुछ भी गलत बुलवा के गए हैं। अभी तो हमने छोटा सा क्लिप बताया है, आप इनका वीडियो जाके देखिए। हम सभी लोगों से बोलना चाहते हैं कि इनका वीडियो देखिए, और इनने इनके वीडियो में क्या बोला, हमारे वीडियो में क्या बोला। तो ये इनका पलटवार कहें या फिर इनके ऊपर कोई दबाव है या फिर कोई इनके ऊपर प्रेशर है, वो तो हम समझ नहीं सकते, क्योंकि इनके आपस के गाँव की बात है, और हम इन पर ये कहना चाहते हैं। रही बात ये भैया की, जो कि क्या नाम है इनका, रसगुल्ला करके एक इनका एक चैनल है, इनसे हम ये कहना चाहते हैं कि भाई देखो ऐसा है, हमने उनसे जो बात करी है, हमने उनको ज़बरदस्ती थोड़ी ना बोला कि आप बताइए। अब वो बोल रहे हैं हमारे वीडियो में कि हमारी 40 साल से हम उनको जानते हैं, वो बचपन से ही जानते हैं कि कैसी रही हैं, क्या रही हैं, उनके अंदर क्या है, पैसे के लाने आदमी क्या करता है, मामा शराब पीते हैं कि नहीं पीते हैं, ये बोलते हैं वो बोलते हैं। तो हमें क्या पता था कि कौन क्या करता है, उकिन का नाम क्या है, हमें कुछ पता थोड़ी ना था, इन्हीं ने बताया, तो उसमें हमारी गलती क्या है। और हम बीच के चक्कर में क्या बोल रहे थे, हमने तो साधारण इंटरव्यू लिया है जो कि हम लेते रहते हैं, आप वीडियो में और भी जाके देखिए, ठीक है। और रही बात थंबनेल की, तो हमने किसी की बुराई थोड़ी ना करी, ना ही हमें शिवानी से कोई जलन है, ना ही शिवानी से हमें कोई प्रॉब्लम है। रही बात उस थंबनेल की, तो थंबनेल में हमने क्या गलत बोल दिया है और क्या गलत हमने बता दिया है, हमने उनकी कोई बुराई नहीं की है, उनका एक सैड सा चेहरा था बस, उसमें ये सोच सकते हो क्योंकि उसमें थोड़ी शिवानी रो रही है, उस टाइप की हमने उसको फोटो कैप्चर करके उसको हमने उस पर टाइप कर दिया है और वही थंबनेल में लगा दिया है। हाँ, ये कह सकते हो कि उसमें आपने थोड़ा चेहरा थोड़ा ठीक लगाना चाहिए था, लेकिन हाँ वो बात ठीक है, लेकिन क्या है कि अगर ये वीडियो देखेंगी शिवानी तो उनको भी बुरा लगेगा, तो उस हिसाब से हमने वो लगा दिया था कि ताकि लोगों को पता चले भाई इसमें ऐसा है क्या कि शिवानी इतना रो रही है और इतनी बेइज्जती कर दी है। तो ये एक लगाने का पर्पज़ होता हर कोई, बस ये है कि इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है जितनी बड़ी बात ये समझ रहे हैं, या फिर हमें कोई दोषी बनाया जाए या फिर हमारी कोई गलती है उसमें। हमारी क्या गलती, वो अंकल जी ने कैसे हैं, वो क्या करते हैं, बहुत से लोग कमेंट में बोलते हैं वो तो शराबी हैं, कल्लू जो हैं वो शराब पीते हैं, वो ये करते हैं वो करते हैं, इस वजह से उन्होंने बोल दिया होगा, ये बोल दिया होगा। तो हमने क्या, उसमें हम क्या जान सकते हैं भाई, वो अपने गाँव की है इस वजह से वो आपकी समस्या है। तो यही हम कहना चाहते हैं कि इस वीडियो में ऐसा कुछ नहीं है, ना ही हमने किसी की बुराई की है, हमने बेसिकली एक नॉर्मल था उनका इंटरव्यू लिया है, फिर उन्होंने जो बोला है वो अपने पूरे होशो हवास में बोला है, हमारा कोई दबाव नहीं है, हमारा कोई लालच नहीं है। बहुत से लोग कमेंट कर रहे हैं और बता रहे हैं कि आपने उनको पैसे तो नहीं दिए, या फिर वो बोल रहे हैं आपने कितने पैसे खाए इस तरह का इंटरव्यू देने के लिए। वो वीडियो हमने शायद वो कमेंट शायद हमने डिलीट कर दिए हैं, लेकिन आप एक बार चेक कर लेना इस पुराने वाले वीडियो पे जाके। फिर हमने उसको थंबनेल भी हटा दिया, फिर वो वीडियो वहीं पे रुक गया। हमने कि नहीं, अगर उनको ऐसा ज़्यादा लगता है कि ज़्यादा बुराई कर दी है, तो इसलिए हमने सोचा चलो खैर कोई नहीं, बुराई ना हो किसी की इस वजह से। और फिर रही बात थंबनेल की, तो हमने क्या थंबनेल लगा दिया शिवानी के बारे में, तो बहुत और भी आप यूट्यूब पर ज़रा सर्च करिए और किस किस तरह के वो थंबनेल वगैरह लगे हैं, मतलब रियल नहीं है ये, सिर्फ थंबनेल में बताया गया है, थंबनेल की बातें हैं, थंबनेल में इस तरीके से बताया। तो हमने कोई बड़ा थंबनेल थोड़ी ना बना दिया कि उसमें कोई इतनी कंट्रोवर्सी हो जाए या फिर इतनी परेशानी हो जाए, फिर ये भी उनका एक वीडियो बना के ये अपने आप को मतलब सही करना चाहते हैं, या फिर उन्होंने हमारे वीडियो में कुछ और बोल दिया और इनके वीडियो में कुछ और बोल दिया, वो उनकी परेशानी है, वो अंकल जी की प्रॉब्लम है। और रही बात इनकी इंटरव्यू की, तो ये तो हमने आपको सिर्फ 7 मिनट का वीडियो बताया है, इन्होंने क्या क्या बोला है आप लोग कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अगर कमेंट आते हैं इस वीडियो पे कि इनका पूरा इंटरव्यू लेके आइए, तो हम पूरा इंटरव्यू भी अपलोड करेंगे, फिर आप देखना कि इन्होंने क्या क्या बोला है और भी डिटेल में लेना।
या अपने आप को महान और सच्चे बताने लगे हैं इस वीडियो पे जाके, और हमारे वीडियो पे जाके हमसे कुछ और बोल दिया, इनसे कुछ और बोल दिया, अब बोल रहे हैं कि वो अपने व्यू के चक्कर में उन्होंने ऐसा बोला है। तो आप जरा पूरा अगर आप कमेंट कर सकते हो तो आप कमेंट करिए ज़्यादा से ज़्यादा, तो हम इनको बताएंगे कि और भी क्या है मतलब इनके बारे में। हम अभी पूरा इनका इंटरव्यू रखे हैं। तो इस तरीके का ये वीडियो था। और रही बात किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना, हमारा ये सब नहीं है, ना ही किसी की हम बुराई करना चाह रहे हैं। बस ये है कि थंबनेल में ऐसा लिखना पड़ता है ताकि लोग देखें और ये थोड़ा थोड़ा हटके लगे, थोड़ा इस चीज़ को थोड़ा मेंशन करना पड़ता है। इसमें किसी की बुराई नहीं है, इसमें किसी की वो नहीं है, जो उसमें है वही हमने क्लियर किया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।